नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी के जनता कर्फ्यू को जनमानस का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जनपद जौनपुर में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना को मात देने के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान पर जनता कर्फ्यू में जौनपुर की जनता ने भरपूर समर्थन दिया है। सुबह 7 बजे के पहले से ही सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। हर दिन सुबह से ही गुलजार रहने वाली सड़कें, बाजार सभी सन्नाटे में हैं। इस दौरान अधिकारियों के वाहन जहां चक्रमण करते रहे, वहीं चौराहों पर पुलिस देखी गई, वह सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद रही। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा कुछ दिन पूर्व जनता कर्फ्यू के लिए आह्वान किया गया था। इसके लिए जिलाधिकारी द्वारा मातहतों को आदेश निर्देश देने के साथ ही खुद ही मॉनिटरिंग की जा रही है। जिले में दिन भर कड़ी निगरानी रहेगी। दिन भर की स्थितियों से जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी स्वयं शहर में निकल के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके मातहत भी जो है मैदान में उतर के जो निरीक्षण कर रहे हैं। पुलिस से लेके स्वास्थ्य चिकित्सा कर्मी, पत्रकार अपनी भूमिका में लगे हुए हैं। इसके अलावा अन्य व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, स्कूल कॉलेज। जौनपुर में जनता कर्फ्यू के दौरान जौनपुर जंक्शन पर सन्नाटा पसरा रहा। सुरक्षाकर्मी तैनात रहे। नगर के अटाला मस्जिद स्थित मुस्लिम बाहुल्य इलाके में जनता कर्फ्यू के दौरान दुकानें बंद रही और यहां भी सन्नाटा पसरा रहा। नगर में चक्रमण करते वाहनों को रोककर CRO डॉक्टर सुनील कुमार वर्मा पूछताछ करते रहे। जिला चिकित्सालय के आपातकालीन कक्ष में आए मरीज का उपचार स्वास्थ्यकर्मी करते रहे। जौनपुर जंक्शन के बाहर टहल रहे साधु यात्रियों से पूछताछ करती रही रेलवे सुरक्षा बल के जवान। ये सुनिश्चित करें कि आप बुखार या कोरोना वायरस का अन्य कोई लक्षण जैसे सांस लेने की तकलीफ या खांसी ना हो सकता तथा भीड़ भाड़ वाले स्थान में जाने से बचे। अगर यात्रा के दौरान ऐसा कोई लक्षण लगे तो तुरंत नजदीकी रेल कर्मचारी से संपर्क करें जिससे आपको तुरंत सहायता प्रदान। अरे घर है तो घर जाओ, घर घर रोड पर तो घर है। Yeah.
अगर आपको हमारा चैनल इंडिया बोलेगा अच्छा लगता है तो यूट्यूब पे जाके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, शेयर करना।